हेलो दोस्तों, निखिल जाने किचन में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं बनाने वाला हूँ सोयाबीन से ऐसी डिश कि आप पाव भाजी खाना भूल जाएंगे। और इसको सोयाबीन का कीमा भी बोल सकते हैं इसको। और ये टेस्ट में भी औसम है और प्रोटीन से भरपूर है। तो चलिए बनाते हैं सोयाबीन का कीमा या सोयाबीन की पाव भाजी। तो पहले हमें सोयाबीन ले लेना है और फिर इस प्रकार से हमारे को पानी गर्म करके उसमें एक चम्मच नमक डाल देने का है। और जो सोयाबीन हमने लिए हुए थे इसमें हमारे को डाल देने का है। और इसको थोड़ा सा जितना डूब जाए पानी उतना हम लोगों को पानी डालना है। और उसको 2 से 3 मिनट तक आपको गैस पर पकाना है जिससे कि सोयाबीन एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए सोयाबीन एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस लेवल पर हमारे को इसको पानी से बाहर निकाल के ठंडा कर लेने का है। और ये हमने ठंडा करने के लिए रख दिया। तब तक हम पैन ले लेते हैं और इसके अंदर हमने 3 चम्मच ऑयल डाला हुआ है। इसमें जीरा डाल देने का सबसे पहले, और जीरा और थोड़ी सी हमने राई डाल दी है इसके अंदर। इनको थोड़ा सा भुनने दीजिए। उसके बाद में इसमें हमने ये अदरक मिर्ची लहसुन का पेस्ट डाला हुआ है, तो मैंने हींग भी डाली हुई है इसके अंदर। और ये प्याज कटा हुआ था जिसमें डाल दिया। इसके बाद हमको प्याज को क्या करना है, हल्के गैस पे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए तब तक हमारे को प्याज को भूनने का है। और जैसे ही प्याज भून गया उस समय हमारे को टमाटर डाल दीजिए आप। और टमाटर जैसे ही आप डाले उस समय मैंने इसमें लाल मिर्ची डाल दी है, और ये थोड़ा सा मैंने खड़ा धनिया डाल दिया है, हल्दी डाल दी है इसके अंदर। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है सॉल्ट डालना मत भूलिएगा, तो सॉल्ट भी डाल दिया है मैंने थोड़ा सा, जिससे कि टमाटर जल्दी गल जाएंगे। और ये हमारे को उस समय पका लेने का है। और ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला हुआ है यहाँ पर। और आपके पास गरम मसाला नहीं है पाव भाजी का मसाला भी डाल सकते हैं। तो मैंने गरम मसाला डाला हुआ है और इसको पानी डाल के कम से कम 5 मिनट के लिए आप रख दीजिए, आप इसको उबलने दीजिए। तब तक हम जो सोयाबीन लिए हुए थे उसमें से हम पानी निकाल लेंगे अलग से और इसको हम ड्राई कर लेंगे। ये देखिए सभी सोयाबीन का मैंने पानी निकाल लिया। ड्राई करने के बाद हमारे को मिक्सर ग्राइंडर में इस प्रकार सभी सोयाबीन को कैंची से कट करके डालना है जिससे कि प्रॉपरली ये पिस जाए। और यहाँ पर हमारा जो हमने प्याज और टमाटर की सब्जी बनाई थी वो भी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई है। देखिए बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। अब हमने जो सोयाबीन मिक्सी में पीस लिए थे इसमें आपको डाल देने के, ये देखिए एकदम बारीक पूरा करके मैंने डाल दिया हुआ है। अब ये सोयाबीन को हमारे को इस तरह फिर पकाना है। और ये हमारे को कम से कम 5 मिनट के लिए स्लो गैस पर पकाना है क्योंकि ऑलरेडी सब्जी पक चुकी है। अब सोयाबीन को इसमें हम डाल देंगे और ये हमारा सोयाबीन भाई कीमा या सोयाबीन की पाव भाजी बन के रेडी हो गई है। और इसको आप पाए को साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, किसी के साथ भी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो ये प्रोटीन युक्त है और बहुत बढ़िया है दोस्तों। ये रेसिपी डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा जिससे नई नई डिश इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और ये जो डिश बनी है आप कभी भी बना सकते हैं, फटाफट बन जाएगी। तो दोस्तों आप अगर बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो नई नई डिश की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।